I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody? हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में डार्क फोटो एडिटिंग बताने वाले हैं कि डार्क फोटो एडिटिंग किस प्रकार से होता है एंड मैंने बैकग्राउंड को किस प्रकार से डार्क फोटो एडिटिंग किया हूं। काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती ही हैं गाइस, क्योंकि ना मानने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती ही हैं कि डार्क फोटो कैसे बनाए। बहुत सारे लोगों को देखे भी होंगे, लेकिन किस प्रकार से बनाया जाता है वो उनको पता नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में ऐसा ही फोटो एडिटिंग बताने वाले हैं जो कि कितना खतरनाक है एंड कितना एक्सपेंसिव होने वाला है, वो वीडियो में आपको आगे देखने को काफ़ी आसानी से मिलेगा। एंड लास्ट में मैंने किस प्रकार से इस डेविल एंड ये जो लोगो लगाया है वो किस प्रकार से लगाया हो वो सब बताने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो को एंड तक देखना एंड आप लोग जो वीडियो देख लेते हो ना गाइज एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे कि मेरा मोटिवेशन टूट जाता है एंड उससे खतरनाक फोटो एडिटिंग लेकर नहीं आ पाते रहता हूँ, जिसके कारण मेरा वीडियोस उतना काफ़ी खतरनाक भी नहीं हो पाता है। इसके लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो तो गाइज काफ़ी एक सब्सक्राइबर मुझे काफ़ी मोटिवेशन लगता है, जिसके लिए मैं और भी खतरनाक फोटो एडिटिंग लेकर आते रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने ओरिजिनल पिक को ले लेना है, जो कि मैं दिखा देता हूँ कौन सा मेरा ओरिजिनल पिक है एंड मैंने इस फोटो को किस प्रकार से बनाया है वो मैं दिखा देता हूँ। ये है मेरा बैकग्राउंड ओरिजिनल पिक एंड इसका जो मैं देख सकते हो ये DSLR से खींचा हुआ है। तो ये मेरा ओरिजिनल पिक है, इसको किस प्रकार से एडिट करना है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इसको इस फोटो को लेकर जाना है Lightroom के अंदर। सबसे पहला स्टेप यही है एंड मैं पूरा 5 स्टेप में पूरा वीडियो कंप्लीट करके आपको सिखा दूंगा एंड लास्ट में आप लोग जरूर देखना कि मैंने लोगो खुद से ही गाइस बनाता हूं एंड किस प्रकार से लगाता हूं वो सब बताने वाले हैं, तो लास्ट में देखना। तो पहले हम चलते हैं Lightroom के अंदर। तो Lightroom में अपने फ़ोटो को लेकर आ चुके हैं एंड सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है, इसको पहले हम क्रॉप कर देंगे, जो कि इस प्रकार से करके थोड़ा सा ऊपर से नीचे स्लाइड करके क्रॉप कर देना है एंड यहां से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट आपको यहां पे ऑटो कर देना है एंड कलर पे क्लिक करके मिक्स में जाना है। मिक्स में आपको आ जाना है एंड नेक्स्ट आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा इसको माइनस कर देना है एंड सेचुरेशन को हाई करके इसको भी लुमिनेंस को भी हाई कर देना है। ये हो चुका है मेरा एंड नेक्स्ट में जाएंगे, इसको किस प्रकार से करना है ये देख सकते हो। इसको हम इसको थोड़ा पूरा माइनस कर देंगे, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको पूरा माइनस कर देना है एंड थोड़ा सा इंक्रीज करके लुमिनेंस को इंक्रीज कर देंगे। ये हो चुका है, नेक्स्ट में जाएंगे एंड पूरा बाय स्टेप बता रहे हैं गाइस, तो उस प्रकार से आपको कर लेना है। ये हो चुका है एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा एंड लुमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ये हो चुका है, नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट में आपको करना क्या है, इस प्रकार से आपको कर देना है एंड इसको थोड़ा इंक्रीज करके इस प्रकार से सैचुरेशन एंड लुमिनेंस को इंक्रीज कर देना है। ये हो चुका है मेरा, अब यहाँ से करना क्या है आपको, डन कर देना है। इतना हो चुका है, नेक्स्ट आपको इफेक्ट पे क्लिक करके टेक्सचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, जो कि मेरा फोटो जो है और भी काफ़ी खतरनाक एंड HD हो जाए, ये देख सकते हो। तो इतना कर देना है, टेक्सचर को इंक्रीज करके 40 कर देना है एंड क्लियरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, इतना इंक्रीज करके डेस्क को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। ये हो चुका है, अब आपको यहाँ से जाना है ऑटो डेस्क के अंदर। सही सुन रहे हो गाइज, ऑटो डेस्क के अंदर, जो कि मेरा सेकेंड स्टेप है। तो ऑटो डेस्क के अंदर हम आ चुके हैं एंड ऑटो डेस्क के अंदर आने के बाद आपको करना क्या है, ऊपर जो पेंसिल वाले ऑप्शन दिख रहे हैं ना, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको इस प्रकार से स्लाइड करना है, स्क्रॉल करके ये जो सेकेंड वाले और स्मूथ वाला जो ब्रश है इसी को सिलेक्ट करना है, जो कि मैं हर वीडियो में सेकेंड पार्ट को ही, सेकेंड वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करता हूँ एंड साइज़ को 18:20 इस प्रकार से कर देना है एंड यहाँ से स्मूथ करना है। किस प्रकार से करना है ये देख सकते हो, इस प्रकार से आपको बढ़िया तरीके से स्मूथ करना है। ये देख सकते हो गाइज, स्मूथ भी हो रहा है किस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपको स्मूथ कर देना है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से करना है गाइज, ध्यान से करना है, क्योंकि आपका जो इस ये अलग हैंड अलग जाएगा तो आपका स्मूथनेस गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान से करना होता है। तो चलिए हम इसको बढ़िया से कर लेते हैं, जिससे कि मेरा वीडियो लंबा ना हो एंड आप लोग बोरिंग फील ना करो। तो ये मेरा सेकेंड स्टेप था, तो पहले हम इसको स्मूथ कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमने स्मूथ कर दिया है, कितने अच्छे तरीके से करना है गाइज, पूरा ध्यान से देख कर आपको कर लेना है स्मूथ एंड देख सकते हो हमने कर दिया है। एंड अब आपको करना क्या है, यहाँ से जाना है स्नैपसीड के अंदर। गाइज सही सुन रहे हो, आपको जाना है स्नैपसीड के अंदर, जो कि मेरा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपको जाना है स्नैपसीड के अंदर। तो चलिए हम यहाँ से शेयर करके अदर पर क्लिक करके यहाँ से जाते हैं स्नैपसीड के अंदर।
तो स्नैपसीड के अंदर हम आ चुके हैं एंड यहाँ से सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ जो स्टाइल वाला ऑप्शन है ना, ये वाला देख सकते हो गाइज, इसमें आपको जो फोर्थ नंबर वाले जो फिल्टर है ना, इसको सेलेक्ट करोगे तो आपका फोटो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये देख सकते हो किस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से होने के बाद आपको करना क्या है, सेव कर देना है। सेव हो चुका है, टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो सिलेक्टिव वाला ऑप्शन है इस पे आपको सिलेक्ट करके फेस को थोड़ा वाइट कर देंगे, जो कि देख सकते हो थोड़ा डार्कनेस में है ना गाइज, तो मेरा फेस जो है उतना लाइट नहीं कर रहा है, तो लाइट में लाने के लिए तो गाइज इतना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमको कर देना है एंड इसको स्ट्रक्चर को बढ़ा देंगे, हैंड पे भी मार देंगे, हैंड को भी वाइट रहना जरूरी है गाइज। तो इस प्रकार से आपको कर देना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइज बता रहे हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि आपका कोई भी स्टेप छूटा तो हम तो नहीं भाई, आप जरूर छूट जाओगे। तो यहाँ से आपको सेव कर देना है। ये हो चुका है, अब आपको करना क्या है, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से टूल्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ जो वाइट बैलेंस है ना कोना पे ऊपर, तो इस पे आपको क्लिक करके इसको थोड़ा सा माइनस करना है एंड ऊपर नीचे टिंट वाले ऑप्शन को इसको थोड़ा सा माइनस करके सेव कर देना है। ये हो चुका है इतना, अब हमको करना क्या है, यहाँ से सेव कर देंगे एंड जो गाइस मेरे सब्सक्राइबर हो गए उसे तो पता ही होगा कि मैं सेव क्यों किया हूँ इसको। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ से सेव करने के बाद टूल्स पे क्लिक करते हैं एंड हीलिंग पे क्लिक करना है एंड इस प्रकार से आपको इसको इस प्रकार से हीलिंग कर लेना है, आपको बढ़िया से कर लेना है, जिससे कि आपका एक भी पार्ट नहीं दिखना चाहिए गाइज, सिर्फ बैकग्राउंड रहे एंड आपका जो पार्ट है, आपका जो फोटो है वो इरेज हो जाना चाहिए। तो ये इतना हो चुका है, अब यहाँ से हमको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका जो ये बैकग्राउंड फोटो हट चुका है, आपको टूल्स पे क्लिक करके लेंस ब्लर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको ब्लर कर लेंगे इस प्रकार से एंड थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके ब्लर कर देंगे एंड विग्नेट को थोड़ा इंक्रीज करके सेव कर देंगे। ये हो चुका है मेरा ब्लर एंड अब आपको नेक्स्ट करना क्या है, देखो गाइज टूल्स पे क्लिक करेंगे, ट्यून इमेज में जाएंगे एंड यहाँ से इसको माइनस करेंगे, माइनस कर दिए, कंट्रास्ट में जाएंगे, इसको थोड़ा माइनस करके सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस करेंगे एंड एम्बियंस को इसको थोड़ा सा माइनस करके हाईलाइट में जाएंगे। हाईलाइट को किस प्रकार से करना है गाइज, आपको डार्क में रखना है तो आपको डार्क में माइनस कर देना है गाइज, ध्यान रखना है। उसके बाद शैडो में जाएंगे, शैडो के देख सकते हो शैडो को थोड़ा माइनस करके एंड वेंथ को थोड़ा सा माइनस करके सेव कर देना है। ये हो चुका है मेरा बैकग्राउंड, अब यहाँ से आपको फोटो बैकग्राउंड को ले जाना है कहाँ, तो आपको ले जाना है पिक्स आर्ट के अंदर। पिक्स आर्ट के अंदर मेरा फोर्थ स्टेप होने वाला है एंड फोर्थ स्टेप में भी फाइव स्टेप पूरा बता देने वाले हैं कि किस प्रकार से करते हैं। तो ले चलते हैं हम अपने बैकग्राउंड को पिक्स आर्ट के अंदर। तो हम आ चुके हैं पिक्स आर्ट के अंदर अपने बैकग्राउंड को लेकर एंड बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट्स डालना है, जो कि किस प्रकार से डालना है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले नीचे जो इफेक्ट्स वाला ऑप्शन है देना, उस पर आपको क्लिक कर देना है गाइज। उस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ जो इफेक्ट्स वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें आपको नहीं जाकर पिछले जो सिंपल है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन फिल्टर देखने को मिल रहा है, तो इस पर आपको एक बार टैप करना है एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। इस प्रकार से इंक्रीज करके साइड में जो डार्केन वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके सेव कर देना है। ये हो चुका है मेरा बैकग्राउंड, अब आपको करना क्या है, अपने फोटो को यहाँ पे एडजस्ट करना है गाइज। तो करने के लिए आपको इधर स्क्रॉल करके ऐड फोटो पे जाना है एंड यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है फिफ्थ स्टेप, तो यहाँ से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको इंक्रीज करेंगे एंड यहाँ पे लगाकर अब हम अपने बैकग्राउंड को कट करने के लिए आपको करना क्या है, ऊपर इस रेज पे जाना है एंड जूम करके इस प्रकार से आपको बैकग्राउंड पार्ट को कट करना है गाइज। देख लो इस प्रकार से कर लेना है, तो इसको बढ़िया तरीके से कर लेना है। ये मेरा फिफ्थ स्टेप है एंड पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। तो चलिए हम इसको बढ़िया तरीके से इरेज कर लेते हैं, जो कि मेरा फोटो काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलेगा। तो हम इसको बढ़िया तरीके से जूम करके इस प्रकार से इरेज हम कर लेते हैं, देख सकते हो गाइज इस प्रकार से हमको इरेज कर लेना है। एंड गाइज एक बात का जरूर ध्यान रखना, ये जो मेरा कट है ना, इसको बढ़िया तरीके से इरेज करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको पार्ट को इस प्रकार से इरेज कर दें, इस प्रकार से कर देंगे तो ऐसा नहीं गाइज करना है। जिस प्रकार से आपका जो टी शर्ट राउंडेड है उसी प्रकार से आपको करना है। तो चलिए हम इसको बढ़िया तरीके से इरेज कर लेते। तो देख सकते हो गाइज हमने अपने बैकग्राउंड को किस प्रकार से इरेज कर दिया है, ये देख सकते हो गाइज कितने अच्छे तरीके से इरेज कर दिया है। अब यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा फिफ्थ नंबर स्टेप एंड किस प्रकार से करना है वो सब बताने वाले हैं। इतना हो चुका है मेरा एंड अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे मोर पे क्लिक करके आपको एक जाना है एप्लीकेशन के अंदर, जिसका नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब में आपको जाना है, तो यहाँ पे करना क्या है, अपने मैंने जो लोगो लगाया था गाइज उसी को लगाना है इसमें। तो इसको इसमें लगाने के लिए आपको करना क्या है, इस पे टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे साइड में आपको टेस्ट वाले ऑप्शन आ जाएगा, दो बार टैप करोगे तो यहाँ पे लिख देना है डेविल। डेविल हम लिख कर एंड पूरा सब कैपिटल में लिख कर यहाँ से इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। डेविल यहाँ पे लिख देना है हमको, डेविल
लिख कर यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको यहाँ से लाना है इसको यहाँ पर लाकर अब कौन सा फिल्टर किस प्रकार से लगाना है वो आप लोग ध्यान से देख लो। इसमें जाएंगे, इधर आपको कलर वाले ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे ग्रेडियंट पे मिलेगा, यहाँ पे इस वाले फिल्टर को सिलेक्ट कर लेंगे हम एंड यहाँ से आपको सेव कर देना है। ये हो चुका है। अब यहाँ पे हम फॉन्ट पे जाएंगे एंड फॉन्ट में माय फॉन्ट में यहाँ पे देख सकते हो मेरा फॉन्ट है, हम मतलब कि साइट से डाउनलोड किए हैं। तो आप लोग कमेंट करना अगर आप लोगों को ऐसा फॉन्ट चाहिए तो हम दे देंगे एंड इसका वीडियो एक बनाकर डाल देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ से हम कर लेते हैं ये वाला फिल्टर सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको बिग साइज में कर देंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे अच्छे तरीके से। इस प्रकार से देख लो गाइस, इस प्रकार से हमको कर देना है एंड ये हो चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है, अब एक और डाल देते हैं, मैं अपना चैनल का लोगो भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे लिख देते हैं अपना चैनल का नाम, लिख देते हैं क्रिएशन बाय अवतार। यहाँ से लिख कर आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको करना क्या है, उसी फॉन्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके पहले कलर सेलेक्ट कर लेंगे। हम ये वाला कलर सेलेक्ट करके इधर जाते हैं फॉन्ट में जाकर, यहाँ से हम इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे छोटा कर देना है, साइज़ को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देना है। इस प्रकार से एडजस्ट करके लगा देना है। आप देख सकते हो हमने लगा दिया है, कितना ज़बरदस्त एंड कितना खतरनाक लग रहा है। एंड मेरा बिफोर फोटो गाइस दिखा देते हैं एक बार आप लोग देखो, ये बिफोर फोटो है एंड इसका आफ्टर फोटो देखो। ये अब आप देखो, आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि गाइज ये कौन सा है, कैसा लग रहा है, बैकग्राउंड इसका किस प्रकार से गाइज लग रहा है एंड इसमें जो मैंने लोगो लगाया कितना औसम तरीके से गाइज लग रहा है कि नहीं। अगर आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको एंड वीडियो को लाइक कर देना गाइज एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए।